हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्पूकी स्टोरीज हिंदी में। और आज हम सिर्फ 3-2 के ट्रेलर का फुल इन डिटेल ब्रेकडाउन ही नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी असली कहानी भी सुनेंगे। तो बिना और कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो में। अब तक हम सब ने शायद 3-2 का ट्रेलर देख ही लिया होगा, पर अगर किसी को थोड़ा सा भी समझ ना आया हो तो मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें आगाह किया गया, जब स्त्री जाएगी तब वो आएगा। ये सुनने में ही थोड़ा थ्रिलिंग सा लगा मुझे। फिर हमें एक कटा हुआ सिर को गिरते हुए दिखाया जाता है, जिसे एक लड़की उठाती है। यही सरकटा स्त्री पार्ट 2 मूवी का मेन एंटिटी है, जिसके बाद सीन चेंज होके वापस से राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी जी और अभिषेक बैनर्जी की तरफ लिया गया, जहां थोड़े हंसी मजाक के बाद वापस से श्रद्धा कपूर की एंट्री होती है और हमें पता चलता है कि वही स्त्री को वापस लाएंगी और सिरकटे को ख़त्म करेगी। फिर दिखाया गया कि अब सिरकटा गाँव के लड़कों को अपना इन्फ्लुएंस बना के सारे गांव की औरतों को मारना चाहता है। वहां से ट्रेलर को मूवी के मेन फाइटिंग क्लाइमैक्स सीन पे लाया जाता है, जहां स्त्री उर्फ श्रद्धा कपूर सिरकटे से लड़ रहा है, जिसके बाद ट्रेलर एंड हो जाता है। इस ट्रेलर को देखने के बाद और थोड़ा रिसर्च के बाद मेरे पास 2 थ्योरी मौजूद है। मैं बता दूं कि ये थ्योरी पूरी तरीके से मैंने बनाई है और यहाँ किसी और का कोई भी पार्ट कॉपीड नहीं है। इस थ्योरी से पहले हमें सिरकटे के बारे में क्या पता है? सिरकटे का सर कटा हुआ है। वाह। नहीं नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना था, बट जोक्स असाइड, सिरकटे का सिर सच में कटा हुआ होता है। लेकिन अब उसका सिर कटा कैसे, जिसके ऊपर पूरी मूवी आधारित है? तो मेरे थ्योरी के मुताबिक, जब वो इंसान ज़िंदा था तब वो उतना कुछ खास नहीं था, बल्कि औरतों पर बुरी नज़र और हाथ मारता था, जिससे उसका मन शांत नहीं होता था। तो वो अपने मन को शांत करने के लिए कोठे जाया करता था और वहीं उसे स्त्री मिलती है। अगर आप लोगों को स्त्री पार्ट 1 मूवी याद है तो मैं बता दूं कि स्त्री बुरा नहीं है, जो सिर्फ इज्जत चाहता था मर्दों से, जो उसे ज़िंदा रहते नहीं मिली। बैक टू स्टोरी। अब जब वो वैशी दरिंदा स्त्री को रेप कर मार देता है, जिससे स्त्री की आत्मा अशांत बनके पिशाचनी बन जाती है और गांव में उस आदमी को ढूंढती रहती है, जिसके वजह से उस आदमी के आसपास वाले निर्दोष लोग भी सज़ा पाते हैं। आखिर में जब स्त्री को वो आदमी मिलता है, वो अपनी सारी भड़ास उस पर निकालता है और उसका सिर काट के उससे बदला लेता है। और हमें पार्ट 1 में दिखाया गया था कि स्त्री तब तक ज़िंदा रहेगी जब तक उसकी चोटी ना जलाया जाए, मतलब उसकी जान उसकी चोटी में बसती थी, और जिसे श्रद्धा कपूर ने काट के अपने साथ ले गई, जिसे सिर कटा जो स्त्री के चंगुल में था वो आज़ाद हो गया। और गांव के पूर्वजों के मुताबिक स्त्री के जाने के बाद वो आया। इस थ्योरी में ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं हैं, सिर्फ चेंज इतना है कि स्त्री सिर्फ उस एक मर्द को सज़ा नहीं देना चाहती थी, जिसके वजह से औरतों पे जुर्म करने वाला हर एक मर्द अजीब तरीके से मारा जा रहा था। और फिर गाँव वालों ने उस स्त्री को रोकने के लिए अपने घर के बाहर "ओ स्त्री कल आना" लिखना स्टार्ट किया, बट जैसे ही गांव वालों को पता चला कि स्त्री को पिशाचनी बनाया गया था उस आदमी के द्वारा, तो उन्होंने मिलके उस आदमी को मार दिया और उस मृत शरीर के साथ स्त्री ने अपना बदला लिया, उसका सिर काट के। पर उसका ठीक तरीके से पिंडदान या फिर क्रियाकर्म ना होने के वजह से वो सरकटा बन गया। पर स्त्री के पावरफुल इन्फ्लुएंस के वजह से सरकटा सप्रेस्ड था, लेकिन
उसके जाने के बाद। गाइस, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताना कमेंट्स में। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।